आप सभी में मेरा जीत अंतरात्मा को मेरा सप्रेम नमस्कार। दोस्तों मैं हूँ आपका सभी का हैप्पी राइडर गजानन पाटिल। मेरा रोड मैट्रिक्स टीवीएस सर्विस सेंटर हम आए हैं टीवीएस रोनिन का सेकंड सर्विसिंग करने के लिए। और टीवीएस रोनिन का लगभग अभी सेकंड सर्विसिंग का समय आ चुका है। देखिए गाड़ी बारिश में काफ़ी खराब भी हो गई है। किलोमीटर बताता हूँ आपको, 5031 किलोमीटर रन हो चुकी है गाड़ी। गुड मॉर्निंग सर्विस सेंटर अभी शुरू काम का शुरू ही हो रहा है। सभी इंजीनियर भाई साहब लोग आ गए हैं। बस बात मेरी मतलब वॉशिंग बगैर का बोला तो नमस्ते मैट्रिक्स टीवीएस का एक वैशिष्ट्य है, यहाँ जब भी हम गाड़ी रिपेयरिंग के लिए सर्विसिंग के लिए लाते हैं तो पहले गाड़ी वॉश की जाती है, सादे पानी से वॉश की जाती है, फिर फोम वॉशिंग किया जाता है, फोम वॉशिंग से गाड़ी क्लीन हो जाती है, फिर उसको एक बार वॉश किया जाता है। पूरा फोम आदि निकल जाने के बाद ड्राई एयर से, एयर ब्लोअर से गाड़ी पूर्णतया ड्राई की जाती है। उसके बाद उसको सर्विसिंग के लिए रैंप पर चढ़ाया जाता है। चेन कवर निकालने के बाद पता चला कि चेन काफ़ी लूज है, इसलिए कुछ दिनों से मुझे पिकअप थोड़ा कम लग रहा था। तो हमारे मैकेनिक भाई साहब उसको प्रॉपर टाइट कर रहे हैं। चेन का जो टाइटनेस है उसी रेशियो में चाहिए जितना रिकमेंडेड है, इसे गाड़ी का जो पिकअप है बढ़िया रहता है। रियर व्हील का ब्रेक पैड का अभी मेंटेनेंस चल रहा है। ब्रेक पैड एयर प्रेशर से क्लीन कर रहे हैं, बाद में पॉलिश पेपर पर उसको साफ कर रहे हैं। उसके बाद उसका प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा और ब्रेक प्रॉपर काम करेगा। फ्रंट ब्रेक पैड का अभी मेंटेनेंस चल रहा है। सिटी ट्रैफिक में फ्रंट ब्रेक का ज़्यादा यूटिलाइज होता है, इसलिए हेवी ट्रैफिक में फ्रंट ब्रेक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। एयर प्रेशर से फ्रंट ब्रेक क्लियर कर रहे हैं, पॉलिश पेपर से साफ कर रहे हैं ताकि उसमें कुछ खामियां ना रह जाए। ब्रेक पैड को सही ढंग से अभी फिटिंग कर रहे हैं हमारे मैकेनिक भाई साहब। एयर प्रेशर से ब्रेक डिस्क को क्लीन कर रहे हैं ताकि उसमें कुछ कचरा आदि न रह जाए। इंजन ऑयल को अभी फ्लश किया जाएगा, उसका स्पेसिफिक लिक्विड है टीवीएस की ओर से। इस लिक्विड को
इंजन ऑयल में डाल दिया जाएगा, फिर गाड़ी थोड़ी समय इंजन स्टार्ट करके रखेंगे ताकि वो अंदर का जो पुराना ऑयल है उसमें मिक्स हो के ऑयल जो अंदर चिपका हुआ है सब बाहर निकल जाएगा, तो इंजन पूरा अंदर से क्लीन हो जाएगा। इंजन कुछ समय रन करने के बाद अभी जो पुराना ऑयल है उसको निकाला जा रहा है। ऑयल काफ़ी ब्लैक हो गया है, गाढ़ा हो गया है, उसको बदलने का समय आ ही चुका था। ऑयल पूरा ड्रेन होने के बाद अभी उसको नया ऑयल डालने के लिए ये जो नीचे का बोल्ट निकाला है उसको भी बंद करके रखेंगे। अभी ऑयल फिल्टर चेंज करने का प्रोसेस चल रहा है। ऑयल काफ़ी गाढ़ा और काला हो जाने के कारण ऑयल फिल्टर खराब हो जाता है, यह हम नया ऑयल फिल्टर डाल रहे हैं। बैटरी मेंटेनेंस के लिए इस पैनल को खोला जा रहा है। बैटरी का जो भी सब सेक्शन है उसको एयर प्रेशर से क्लीन किया गया है और ये जो लिक्विड है बैटरी टर्मिनल पर लगा रहे हैं ताकि उसको करोजन आदि ना आए। चेन क्लीनिंग के लिए रैम पर पुट्ठा रखा गया है ताकि ऑयल गिर के वो ख़राब ना हो जाए। चेन पे ऑयल क्लीनिंग स्प्रे कर रहे हैं ताकि सब कीचड़ डस्ट आदि निकल जाए। उसके बाद एयर प्रेशर से चेन क्लीन की जा रही है, जो भी अटकी हुई धूल मिट्टी कचरा आदि है पूरा निकल जाए। अभी चेन लुब्रिकेशन स्प्रे से चेन लूब की जा रही है। चेन का देखिए कलर कैसा ब्लूइश हो गया है। रोनिन का हाई बीम बढ़िया है लेकिन लो बीम बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमारे मैकेनिक दरोगा जी हेडलाइट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अभी हमारे मैकेनिक दरोगा जी जो मूवमेंट वाले पार्ट है उसको ऑयलिंग कर रहे हैं।
गाड़ी का लगभग सभी कार्य पूरा हो गया है। वॉशिंग, सर्विसिंग, ऑयल चेंज, पॉलिशिंग, क्लीनिंग, नाउ व्हीकल इज रेडी फॉर टेस्ट राइड। मैं हैप्पी राइडर गजानन पाटिल इन सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इनकी मेहनत, इनकी ईमानदारी मैट्रिक्स टीवीज के लिए सक्सेस बनने के लिए बहुत ही योगदान देती है। भाइयों, थैंक यू वेरी मच। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर।